लोकसभा विजय की भविष्यवाणी अब जनता के हाथ में चाबी, क्योंकि निकाय चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार थम चुका है। नेताओं को जितना जोर लगाना था वो लगा चुके हैं और अब सब कुछ जनता के हाथ में। जो 9 मंडल की 7 नगर निगम, 95 नगर पालिका और 268 नगर पंचायत में अपने वोट से मैदान में उतरे सभी प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेगी। लेकिन प्रचार थमने से पहले सभी पार्टियों के दिग्गजों ने खूब पसीना बहाया, लेकिन किसकी मेहनत रंग लाएगी ये अब जनता का वोट तय करेगा। दिग्गजों ने भारी हुंकार, शहर में बनेगी किसकी सरकार। निकाय का फाइनल राउंड, सबसे मजबूत किसका ग्राउंड। देश का सबसे बड़ा सूबा फिर एक बार चुनाव की कसौटी पर खड़ा है। निकाय की चुनावी जंग, कौन जमाएगा रंग, इसका फैसला अब जनता पर टिका है, क्योंकि दूसरे चरण के प्रचार में सभी राजनीतिक दलों के दिग्गजों ने जमकर पसीना बहाया। जहाँ सीएम योगी ने चित्रकूट, कानपुर और बांदा में बैक टू बैक 3 रैलियां की, वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भदोही और अयोध्या में प्रचार कर अवध से पूर्वांचल तक माहौल गर्मा दिया। प्रचार की इस लड़ाई में डिप्टी सीएम बृजेश पाठक भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने कानपुर और फर्रुखाबाद में प्रचार किया, जबकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पश्चिम की कमान संभाली और बागपत से गाजियाबाद और मेरठ तक खूब प्रचार किया। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बुलंदशहर में रोड शो किया। जिन लोगों ने आपको एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया है, आज उनको एक एक वोट के लिए तरसाइए, यही अवसर होता है। हम तो हर घर नल योजना पहुंचा करके आरओ का पानी पहुंचाना चाहते हैं आपके घर में, जिससे किसी बहन बेटी को अपने सिर में गगरी लेकर के 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर से ला जाके जल बहाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम है और भारतीय जनता पार्टी केवल 17 नगर निगम और वहाँ प्रचंड बहुमत के साथ हमारे पार्षद जीत करके आएंगे। और नगर निगम हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर पंचायत हो, सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होंगे और भाजपा ऐतिहासिक विजय के साथ उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की जगह ट्रिपल इंजन सरकार बनाएगी। पहले चरण में 10 नगर निगम, दूसरे में 7, बीजेपी क्या उम्मीद है? देखिए 17 में 17 में हम जीतेंगे। निकाय चुनाव में दूसरे चरण के प्रचार के अंतिम दिन सीएम योगी से लेकर दोनों डिप्टी सीएम और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी तक तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आए। सीएम योगी ने कानपुर के साथ ही बांदा और चित्रकूट में चुनावी सभाएं की, तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने रामलला की नगरी अयोध्या में एक भव्य रोड शो किया। इसके अलावा भदोही में प्रचार प्रसार किया। वहीं डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने कानपुर के साथ ही फर्रुखाबाद में प्रचार किया, तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी पश्चिमी यूपी में कमान संभाले हुए नजर आए। जहां एक तरफ भाजपा के महारथी ट्रिपल इंजन की हुंकार भर रहे थे, तो वहीं समाजवादी योद्धा बदलाव की ललकार भर रहे थे। अखिलेश यादव ने कानपुर देहात और कानपुर शहर में प्रचार किया, तो अब्दुल्ला आजम बरेली की सिरौली नगर पंचायत में सपा प्रत्याशी परवीन फातिमा के लिए वोट मांगे। वहीं रालोद विधायक मदन भैया ने गाजियाबाद की लोनी नगर पालिका में गठबंधन प्रत्याशी रंजीता धामा के लिए रोड शो किया। चुनाव में बीजेपी की पूरी तरह हार होने जा रही है, क्योंकि जनता कूड़ा और बंद पड़ी नालियां, जल भराव, सड़कों पे जानवर, बिजली महंगी, हाउस टैक्स महंगा, इन बातों पर चुनाव होने जा रहा है और बीजेपी इनकी बातें नहीं कर रही है। समझ के अपने लिए बेहतर उम्मीदवारों का फैसला लें, जो उनके लिए काम आ सके, उनका विकास कर सके, उनकी बस्तियों की साफ सफाई रख सके। गठबंधन के साथ साथ वो आवाम जो त्रस्त है, गरीब है, परेशान है, रोजगार नहीं है, वो सब जो एक आशा की किरण के रूप में गठबंधन के प्रत्याशी रंजीता धामा के पक्ष में लगे हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख तौकीर रजा के भड़काऊ बयान ने माहौल गर्मा दिया। बरेली में चुनावी जनसभा में तौकीर रजा ने मुसलमानों को भड़काते हुए नगर निकाय चुनाव को अतीक और अशरफ की हत्या का बदला लेने वाला बताया और भाजपा के साथ साथ अखिलेश यादव पर निशाना साधा। और अशरफ का बदला लेना, आजम खान की जिल्लत और रुसवाई का बदला लेना है। भारतीय जनता पार्टी जितनी जिम्मेदार है, उससे कम जिम्मेदार समाजवादी पार्टी नहीं है। अखिलेश यादव का उतना ही हाल है जितना भारतीय जनता पार्टी का हाल है। तौकीर रजा का यह बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि
तौकीर रजा अपने इस बयान से मुसलमानों को भड़का रहे हैं या फिर अपनी सियासत चमका रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब तौकीर रजा ने इस तरह का बयान दिया है। वो समय समय पर ऐसे बयान देते रहे हैं। अब सबकी नजर 11 मई को होने वाले मतदान पर टिकी है, क्योंकि किसके दावे में कितना दम है और किसके बयान का कितना असर होगा, इसका फैसला वोट से ही होगा। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।